तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त इनकी जाजा आपके लिए कुछ पतंगों की वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ काइट फाइटिंग, जबरदस्त काइट फाइटिंग हो रही है आज की डेट में। यार मैं मौसम बताता हूँ आपको, बारिश धूप हवा तेज कम ऐसी ऐसी चल रही है। तो इसके हम कोने पतंगे देख सकते हो, टूर्नामेंट का पतंगा जो मतलब कि साइन हो गया था, पूरा एकदम कंप्लीट हो गया था, लेकिन जब भी हट गया ये पतंग, मतलब ये हटा दिया था, ये पतंग उड़ा नहीं था, तो मैं किसी से लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे फिर कन्ने देखो ऐसे बांध रहा हो, जल्दी हो, हवा बहुत तेज है आप देख सकते हो। पहले इस तरफ दोनों होल करेंगे और फिर इस जगह होल कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, सद्दी होगी ना, सद्दी आपके पास कन्ने ना, सद्दी से ही बांधो, मंजे से मत बांधो, इस तरह से तोड़ के ना, तो यहाँ से फिर ऐसे करके ना इसको डबल करने के बाद इस तरह से कर लेंगे। देखो इस तरह से बांध लेंगे, आप कम से कम ना 3 से 4 गांठ बांधो, आपकी उसमें लैंग्वेज में नोट्स भी कहते हैं, लेकिन आप 3 से 4 गांठ बांधो, ये भी बढ़िया होती है पतंग। ऐसे सेम ऐसा करके नीचे में कर लेंगे और बांधे ना तो मंजे से ना बांधे, क्योंकि मंजे से बांधोगे तो टूट जाएगा, अपने आप ही घिस के टूट जाएगा, या मंजे जब आपकी पतंग को एकदम से झोंक खाएगी ना तो मंजा अपने आप ही घिस के टूट जाएगा, कट जाएगा यानी। तो फिर अब मेन चीज़ आती है ये चीज़, हवा आपकी हमारी बहुत तेज है, तो हमने बांधे छोटे कन्ने, एक उससे भी बहुत कम कन्ने, और ये चीज़ हमें पता क्या करनी है, ये चीज़ करनी है हमें एकदम बराबर से ना, ये कन्ना थोड़ा सा बड़ा, ये कन्ना हाँ इतना कर देता हूँ मैं, इतना कर लेंगे कि फिर उससे अच्छी उड़ेगी। तो पहले हम करते हैं इस पतंग को चेक करने से पहले अभी मैं इसमें टेप लगाता हूँ। तो ये देखो टेप, मैं बता दूँ कहाँ लगाना है, एक जगह लगा लो ना तो आपकी पतंग बहुत पतंग काटेगी, फिर इस जगह लगा लो कन्ने के ऊपर, क्योंकि जब आप खींचोगे ना तो ये चीज़ ना कन्ने ना ऊपर खिसक जाएंगे, उससे आपका कन्ना फिर ख़राब हो जाएगा, कभी आगे का छोटा कभी पीछे का बड़ा। तो फिर क्या करेंगे, एक बार करेंगे चेक, सख्ती से चेक करेंगे ओनली, क्यों आप डायरेक्ट मंजे से उड़ाओगे, अगर आपकी पतंग घूमेगी तो आप सही कैसे करोगे, मंजा तो ख़राब हो जाएगा, सख्ती तो आपकी गीली भी हो जाएगी तो सही हो जाएगी। से क्या कर लें, पहले एक छोटा सा झप मोड़ लेंगे, झप तो हमारा आवाज ही मुड़ गया, तो आप देखना, तो अब खींचते हैं पतंग, हमारे लड़ाने लायक बहुत ही प्यारी पतंग हो गई है, परफेक्ट है उड़ने में, तो फिर इसको मंजे से छोड़ेंगे। देखो ये मांजा है, मांजे से इस तरह से छोड़ेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गांठ बांध लेंगे, पहले इसको गीला कर लेंगे, क्योंकि आपका जब गीट बांधोगे तो मंजा आपस में टकरा के ना टूट जाएगा, आप पानी से आपने जुगाड़ से कर सकते हो गीला, तो इस तरह से ना फिर मैं अभी तो फिर इस पतंग को ना उड़ाते हैं, फिर तो फिर उड़ाएं, फिर चलो तो दोस्तों उड़ाते हैं। मंजा आपके ऊपर है, आप कितना बांधो, थोड़ा बांधो, ज़्यादा बांधो, कम बांधो, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है।
देखो हमने बांध लिया अपने हिसाब से मंजर, तो आप क्या करेंगे फिर जो हमारी सद्दी है ना पीछे सद्दी से उड़ाएंगे। ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हवा तेज है, जरा सा भी मतलब हाथ में से मंजर से हो गया तो हाथ की ऐसे तैसे हो जाएगी, यानी कट जाएगा हाथ, तो गांठ बांध लेंगे। इससे जो क्या होगी, ये सद्दी है ना, आपको हम काटेंगे ना कुछ करेंगे, ऐसे तो आपको सद्दी लगाने में 50 रुपये खर्च हो जाएगा, लेकिन आप लगाओ आपका हाथ तो कमरा सुरक्षित रहेगा। तो ये हो गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिर। और तो गाइस मैंने पतंग उड़ा के तो दिखा दी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पे मंजा अंजा कैसा है। ऊपर पतंग फड़फड़ा रही है, आप ये देखो पतंग, ये देखो आप पतंग, उसको कहते हैं जबरदस्त पतंग। देखो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना उसमें मैं आपको काट के दिखाऊंगा पक्का, और काइट मार्केट की भी वीडियो बनाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो देखना।